नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में पंकज लूथरा जी हैं, जो कि पूर्व निगम पार्षद हैं झिलमिल वार्ड से, और साथ ही इनकी धर्मपत्नी फिलहाल यहां पर रीसेंट में निगम पार्षद हैं गीतिका पंकज लूथरा। दोनों सेवा कर रहे हैं जनता की। इसी बीच की कड़ी में हम पिछली बार जब हम मिले थे तो इन्होंने बताया कि सैनिटाइज़र ये बांट रहे हैं, लगभग 3000 सैनिटाइज़र बांटे हैं, और आज इनके कार्यालय में हमने देखा कि 3000 से ज़्यादा सैनिटाइज़र अभी भी रखे हैं। आज सबसे पहले खास बात होगी क्योंकि MCD का काम आता है सफाई को लेकर के, उसी पर क्या नया झिलमिल वार्ड में हुआ है, आइए बात करते हैं पंकज लूथरा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज क्या किया है झिलमिल वार्ड में, लोगों के लिए क्या समर्पित किया है? मैंने झिलमिल वार्ड में हमारा एक कूड़ा दान हुआ करता था उज्ज्वला नगर शमशान घाट के पास मेन रोड के ऊपर, तो वहाँ पर कूड़ा दान हमारे टोटल आसपास के एरिए में एक कूड़ा दान है, और काफ़ी कूड़ेदान से ना जब कूड़ेदान लोग डालते थे कूड़ा तो काफ़ी बाहर तक आ जाता था और आसपास के लोगों को थोड़ी परेशानी होती थी। तो हमने वहाँ अपने अफसरों से बात करी, एक स्कीम बनाई, एक कम्पैक्टर प्लान हमने वहाँ पर लगाया, जिससे दो फायदे हो सकेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कूड़ा बाहर नहीं गिरेगा, लोगों को बदबू का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसपास की जो लोग जाएंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर दो कि जब वो कूड़े से हम खाद बनाने का प्रोजेक्ट जो हमने वहाँ लगाया है, उस कूड़े से खाद बन जाएगी और हमारे जितने भी झिलमिल वार्ड के पार्क हैं और भी जितने पार्क हैं, हर पार्क में खाद काम आ सके। वो मैं समझता हूँ समय समय पर इससे अच्छा कार्य हो नहीं सकता, और जो भी कार्य हम कर सकते हैं क्षेत्र की जनता के लिए वो समय समय पर हम कर रहे हैं। सर आज श्री गणेश हो गया, कब से कार्य स्टार्ट हो जाएगा? मैडम आज से ही कार्य टूटना शुरू हो गया है, वो डेढ़ महीने के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और अगले डेढ़ महीने बाद हम इसका जब ये प्लांट शुरू होगा तब हम इसका उद्घाटन अपने माननीय सांसद गौतम गंभीर जी द्वारा करवाएंगे। सर गौतम गंभीर जी की बात आई है तो वैक्सीन मैन उनको नाम दिया जा रहा है, आप खुद भी बाकायदा जागृति इंक्लेव में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि युवाओं को किस तरीके से 18 प्लस के लोगों को जो दिल्ली सरकार काम नहीं कर पाए और वो वैक्सीन दिला रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए मैं तो समझता हूँ कि केजरीवाल सरकार और जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का अपने पर दावा करते हैं और हैं, वो मुख्य कहलाने के लायक नहीं है, खाली मंत्री कहलाने के लायक हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, जो कार्य है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सुविधा देने के बाद वो कार्य नहीं कर पाई, और गौतम गंभीर जी अपनी फाउंडेशन से अपने जेब से पैसे लगाकर ये कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसा सांसद मैंने अपने जीवन में आज तक देखा नहीं, इतना कार्य करने वाला, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो कंसिलेटर की बात हो, चाहे वो अब वैक्सीन की बात हो। मैं समझता हूँ समय समय पर जनता के साथ खड़े होकर, और पूरे कोरोना काल में जब लोग नहीं दिख रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर में और सारे मंत्री और सारे उनके मुख्यमंत्री अपने घर में घुसकर बैठे हुए थे, तो हमारे सांसद गौतम गंभीर जी क्षेत्र में रहकर जनता की सेवा कर रहे थे। इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल, सेवा ही संगठन के तौर पे आपने ये दूसरी कड़ी में आज सैनिटाइजेशन वितरण आपका कल से चल रहा है, आज अभी तक कहाँ कहाँ बांटा और आने वाले समय में कहाँ कहाँ का प्लानिंग है? अभी पहले हमने मैडम 3000 सैनिटाइज का वितरण किया था, अब 3000 सैनिटाइज हम और लेके आए हैं, जिससे हमने कल शाम से 5 बजे पूरी जनता कॉलोनी आधा मुकेश नगर हमने कर दिया, और आज शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पूरा मुकेश नगर गल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज्वाला नगर पूरा एक तरफ से करके, कोई ऐसा घर नहीं है क्षेत्र का जिसकी हम घर जा नहीं रहे, घर घर जाके एक सैनिटाइज़र आधे लीटर का, एक एक काढ़ा और मास्क सबको घर में जाकर लोगों को दे रहे हैं, ताकि लोग की समस्या या जो लोग घर से बाहर निकलें तो अपनी सेफ्टी के लिए सैनिटाइज यूज़ करें और मास्क पहन कर निकलें। और काढ़े की व्यवस्था इसलिए थी कि गर्म काढ़े से काफ़ी फर्क में शरीर में इम्यूनिटी का पड़ता है, तो वो हम लोगों के लिए वितरण कर रहे हैं। लूथरा जी, दिल्ली आज बहुत हद तक खुल चुकी है, कुछ ही जगह बंदिशें हैं, आपकी क्या राय है या क्या अपील है जनता से? देखिए मैं तो जनता से कहता हूँ कि अभी भी बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हमारी दिल्ली की सरकार बिल्कुल
फेल रही है इसमें। और मैं समझता हूँ चाहे लोगों की मरने की बात हो, दवाइयों की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, बिल्कुल सरकार जीरो निकम्मी सरकार रही है। ऐसी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए जो जनता की सेवा नहीं करते सिर्फ ओनली फॉर एड। जहाँ देखे ऐड 786 करोड़ रुपया इन्होंने ऐड में खर्च कर दिया। मैं समझता हूँ अगर वो 86 करोड़ रुपया जनता की भलाई के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो कंसिलेटर की बात हो, चाहे वो आईसीयू के बेड्स की बात हो और हॉस्पिटल लगाने की बात हो, अगर वो लगाए होते तो आज इतनी जनता क्षेत्र की दिल्ली की मरी है, उतनी जनता क्षेत्र की मरती नहीं। निगम पार्षद गीतिका पंकज लूथरा ने तो झिलमिल वार्ड को उपहार दे दिया क्योंकि यहाँ पर कंपोस्ट प्लांट लग रहा है और जो समस्या थी खासतौर पर सफाई को लेकर के, कूड़ा जो है अब तब्दील होगा खाद के अंदर और घर घर जो है वो खाद भी जा सकेगी और खासतौर पर एमसीडी के अंतर्गत जो पार्क हैं वो भी आने वाले समय में हरे हो जाएंगे। आप लगातार अपना ख्याल रखिए, भारत टीवी देखते रहिए।